कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन कर दिए थे जो चाइनीज ऐप थे। ये रही उनकी लिस्ट, आप देख सकते हैं। हाँ, तो कई परसेंट परेशान हो जाए कि हम कैसे चला सकते हैं ऐप, तो उनके मोडा एप्लीकेशन भी आ चुके थे, तो वहाँ से आप गूगल से गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके भाई को कोई परेशानी नहीं हुई। टिकटॉक वापस आ रहा है, मुझे तो पहले से लग रहा था कि टिकटॉक वापस आएगा, तो कई पर्सन जब टिकटॉक बैन हुआ था तो टिकटॉक छोड़कर यूट्यूब पर आ गए थे। तो आपको मैं बता दूँ, कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्या पता कल इंस्टाग्राम बंद हो जाए, क्या पता यूट्यूब बन जाए, इसलिए आपको जहाँ पर आप सक्सेस हो सके वहाँ पर आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ऐप पर बनाते हो तो आपकी ऑर्डर्स आपके साथ रहती है, और तो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, एंड आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम सत्यम, रात देख रहे सत्यम की टैग। चैनल पर नया हुआ है सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट एंड टिकटॉक एंड यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी भी फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में टिकटॉक का फैसला चल रहा था कि टिकटॉक बैन होगा, बट इंडिया में टिकटॉक बैन हो भी गया था, मतलब टिकटॉक वर्क कर रहा था। टिकटॉक से 17 क्वेश्चन पूछे गए, अगर वो इन 17 क्वेश्चन का आंसर दे देता है तो 3 वीक्स के अंदर टिकटॉक वापस आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि 100% टिकटॉक आंसर दे देगा। टिकटॉक को इसलिए बैन किया गया था कि वो वैसे वीडियो को बहुत प्रमोट कर रहा था जो बच्चे नहीं देख सकते थे, बाय द वे बड़े भी नहीं देख सकते थे। आप समझ रहे होंगे कि मैं कैसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। टिकटॉक वैसे वाले कंटेंट बहुत वायरल कर रहा था, इसलिए टिकटॉक बैन हुआ था, बट कुछ टाइम पहले। अब टिकटॉक इसलिए बैन हुआ है डाटा वाले सिस्टम पे कि टिकटॉक डाटा लीक करता है, बट अभी टिकटॉक से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वो टिकटॉक इन 17 क्वेश्चन का आंसर दे देता है तो इंडिया में टिकटॉक वापस आ सकता है। तो मुझे तो लगता है कि टिकटॉक 100% आंसर दे देगा और टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुड न्यूज़ है टिकटॉकर्स के लिए, टिकटॉक वापस आ रहा है। मेरा ओपिनियन यही है कि टिकटॉक वापस आने से जिनके अंदर टैलेंट है वो अपने टैलेंट दिखाते थे लोगों को, जहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो बनाकर लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकते थे, बट बहुत बेकार न्यूज़ थी जब टिकटॉक बैन हुआ था। बट कुछ पर्सन तो वहाँ पर इतने फिल्टर यूज करते थे, जैसे वो दिखते थे वैसे वो होते नहीं थे। बाय द वे जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी थी वो चाइना की थी, जो उनके CEO थे वो USA के थे, और जो टिकटॉक के हेड थे वो निखिल गांधी थे, जो हैं अभी भी हैं। आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी देख सकते हैं उनकी। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर मत टिकिए, यूट्यूब पर भी बनाइए, टिकटॉक पर भी बनाइए। बाय द वे कुछ टिकटॉकर्स यूट्यूब पर भी बनाते हैं एंड वहाँ पर भी, मतलब वहाँ पर नहीं टिकटॉक पर भी। यार कितना तगड़ा दिमाग लगाया ये चाइना वालों ने। बाय द वे USA में भी टिकटॉक बैन होने वाला था बट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो CEO हैं वहाँ पर टिकटॉक के CEO रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड नीचे प्रेस बेल आइकन करके घंटा बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।